सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम में फिर से स्वागत है आप लोग को एक नया वीडियो लेके। आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ा अलग है। काफ़ी सारे फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके बताया कि बूफर, सबवूफर और स्पीकर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो उसको लेके आज वीडियो है मेरा। तो देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास कुछ स्पीकर, सबवूफर और कुछ बूफर रखा हुआ है, तो मैं एक एक करके साउंड टेस्टिंग करूँगा। साउंड टेस्टिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा कि बूफर की साउंड कैसी होती है, सबवूफर की साउंड कैसी होती है और स्पीकर का साउंड कैसा होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा साइट है thebetterknowledge.com, उस पर आप लोग जाइए। वहाँ पे भी आप लोग को सबवूफर, बूफर, एम्पलीफायर के ऊपर डिटेल मिलेंगे और वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं बूफर, सबवूफर और एम्पलीफायर। तो मेरे साइट को विजिट कीजिए, आई होप आप लोग को हेल्प ही होगा। और मेरा कुछ नया फेसबुक पेज मैंने डेवलप किया हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसमें भी जाइए आप लोग। वहाँ पे भी आप लोग अलग अलग वीडियो देख पाएंगे, बूफर, स्पीकर और सबवूफर का लिंक आप लोग को मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे भी आप लोग देख के उसको पढ़ सकते हो या उसको ख़रीदारी कर सकते हो लिंक से। तो सारे कुछ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे वेबसाइट का लिंक, मेरा फेसबुक पेज का लिंक और मेरा जो परचेस लिंक है वो भी दे दूँगा। तो आप लोग जाके उसको विजिट कर सकते हो वेबसाइट को और परचेज भी कर सकते हैं मेरे लिंक से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करता हूँ। तो मैं एक एक करके वीडियो टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 4 इंच का बूफर को ऐड करूँगा, ये वाला बूफर को। ये 4 इंच का बूफर है, ये स्पीकर है, अब बूफर ही बोल सकते हैं, ये सबवूफर है, ये भी सबवूफर है और ये है 8 इंच का बूफर। तो पहले मैं इसको साउंड टेस्टिंग कर रहा हूँ। पहले मैं इसका कनेक्शन जोड़ लेता हूँ। मैं इसका कनेक्शन जोड़ दिया, देख सकते हैं आप। और मैं इसमें गाना प्ले करूंगा अब, और इसका साउंड कैसे होगा आप लोग प्लीज हेडफोन यूज़ कीजिएगा गाना सुनने के टाइम। तो आप लोग जब हेडफोन यूज़ कीजिएगा तब इसका गाने का साउंड का क्वालिटी आप लोग को पता चलेगा, क्या बूफर का साउंड होता है, क्या स्पीकर का साउंड होता है, अलग अलग। तो मैं गाना प्ले करता हूँ पहले। मैंने गाना प्ले किया, साउंड बहुत ही आस्ते हैं बट इसका बेस काफ़ी ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, बेस ज़्यादा है। तो आपने देख लिए 4 इंच का सबवूफर, साउंड कम है बट बेस ज़्यादा है, तो यही होता है सबवूफर। मैं इसके बाद स्पीकर ऐड कर रहा हूँ, आप देखिएगा साउंड कितना बढ़ जाएगा और बेस कम जाएगा। मैं ऐड करता हूँ, ये है स्पीकर, बूफर ही बोल सकते हैं या स्पीकर कम बूफर ऐसा है। ये भी 4 इंच का है, इसको भी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। मैं इसका कनेक्शन जोड़ दिया, अब इसे गाना प्ले कर रहा हूँ मैं। साउंड कितना बढ़ गया आप देख सकते हैं, पहले वाला स्पीकर से वॉइस कितना बढ़ गया है साउंड का। What's left, and on we'll go.
तो आपने सुन लिए स्पीकर का साउंड की क्वालिटी और ये स्पीकर में वॉइस कितना निकल के आ रहा है, मतलब तो साउंड कितना ज़्यादा निकल रहा है, साथ साथ बेस भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है। जो सबवूफर में ओनली बेस ज़्यादा आता है, साउंड कम दब जाता है, इसमें साउंड भी निकल के आ रहा है, बेस भी निकल के आ रहा है। तो ये है बूफर की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी होती है। और इसके बाद मैं ये सबवूफर है इसका भी साउंड क्वालिटी सुना रहा हूँ। तो पहले कनेक्शन जोड़ लूँ, मैं गाने से जोड़ लिया। अब मैं साउंड प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग हेडफोन यूज़ कीजिएगा, हेडफोन में ज़्यादा साउंड की क्लियरिटी पता लगेगा आपको, बेस और जो ट्यूटर साउंड होता है वो सब कुछ समझ में आएगा। देख लिया आपने इस बूफर का भी साउंड, सबवूफर का साउंड, ये बूफर नहीं है सबवूफर है, तो इसका भी साउंड आप देख लिए, वॉल्यूम कम है, बेस ज़्यादा निकल रहा है। तो सबवूफर में ऐसे ही होता है, सबवूफर में बेस ज़्यादा होता है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, और नॉर्मल जो बूफर स्पीकर होते हैं उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, बूफर का बेस भी ज़्यादा होता है, सब कुछ एक साथ निकलता है। सबवूफर में बेस ज़्यादा निकलते हैं, साउंड कम निकलता है। उसके बाद मैं ये वाला 8 इंच वाला इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये नॉट ए सबवूफर, ये बूफर है, इसका साउंड देखेगा सब कुछ ज़्यादा है, बेस साउंड एवरीथिंग। तो कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसका कनेक्शन जोड़ चुका हूँ, अभी इसको गाना प्ले करके इसको सुना रहा हूँ। सुन लिया आपने साउंड इसका, ये 8 इंच का बूफर का, और ये सबवूफर का, ये सबवूफर का, और ये ट्यूटर का। तो आपको पता लग गया होगा साउंड की क्वालिटी इसकी, इसमें बेस तो है, साउंड भी है, सब कुछ है, इसमें बेस ज़्यादा है, साउंड कम है, इसमें भी बेस ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा है, सब कुछ है। तो यही होता है एक स्पीकर, एक सबवूफर और बूफर में डिफरेंस। स्पीकर में साउंड आपको ज़्यादा मिलेगा, बेस थोड़ा कम मिलेगा, सब मिला जुला मिलेगा सब। इसमें सबवूफर में बेस ज़्यादा मिलेगा, साउंड थोड़ा सा दबा हुआ मिलेगा, ऊपर के अंदर भी साउंड ज़्यादा मिलेगा, बेस भी मिलेगा, मिला जुला सब कुछ। तो वही होता है डिफरेंस। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो 2-in-1 की बोर्ड होते हैं या सबवूफर के बोर्ड हैं उसमें आप सबवूफर यूज़ कीजिए, और नॉर्मल जो 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट का एम्पलीफायर उसमें सबवूफर यूज़ मत कीजिए, बूफर यूज़ कीजिए, तब जाके आप लोग को साउंड अच्छा मिलेगा। आई होप आप लोग को सवाल का मैं जवाब दे पाया और कुछ हेल्प कर पाएंगे आप लोग को। तो मेरी वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे जो betanolledge.com साइट है उसमें भी जाइए, उसमें भी आप लोग बूफर स्पीकर एम्पलीफायर लेके नॉलेज ले सकते हैं, और परचेस लिंक से परचेस भी कर सकते हैं। और जो मेरा नया चैनल है जहाँ स्पीकर बूफर्स के ऊपर, उसमें जाइए, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसमें जाइए आप लोग, उसको वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।